इस चीज पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचने की जरूरत है, जो कि इन्होंने जिंदगी भर किसी काम की चीज पे सोचा ही नहीं। सलाम अलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? काफी गैप के बाद आज वीडियो बनाने जा रहा हूं, और बनाना इस वजह से जरूरी है कि आप सबने देखा कि नसीम शाह जो है वो उनको इंजरी हुई है, शोल्डर इंजरी हुई है। अब सुनने में आ रहा है कि पीसीबी की तरफ से कि उनकी जो इंजरी है वो इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है। मैं मानता हूँ इंजरी अगर सीरियस नहीं है, लेकिन बात ये है कि आप देखें कि दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं, स्पेशली वो क्रिकेटर्स जो करंट क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है, आपको बहुत कम ऐसे क्रिकेटर नज़र आएंगे जो लीग्स वगैरह खेल रहे हैं बिफोर। अगर एशिया कप की बात करें या इवन जब वर्ल्ड कप भी नज़दीक होगा, तो आप देखना कि वो प्लेयर्स जो आपको कहीं लीग्स वगैरह खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह आप सबको भी पता है कि हमेशा बड़े इवेंट से पहले आप अपने मेन प्लेयर्स जो हैं उनको बचाते हैं, और नसीम शाह ऐसा बॉलर है कि वो हमारे लिए सही है कि हारिस रऊफ हो गया, शाहीन हो गया, बाबर हो गया, इनकी जो रेपुटेशन है वो नसीम की नहीं है। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि नसीम जितनी अच्छी बॉलिंग करते हैं वो एक 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 मेन मेंबर है पाकिस्तान टीम का। बॉलिंग लाइनअप में मैं बात कर रहा हूँ, अगर नसीम की इंजरी जो है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे? आपने देखा कि श्रीलंका में टेस्ट मैचेस में जब नसीम आए और शाहीन की वापसी हुई तो आपने देखा कितना फ़र्क हमें नज़र आया, बॉलिंग दोनों एंड से बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या अपने लड़कों को परमिशन दे के उनको ख़राब करने की कोशिश करते हैं? अभी शाहीन भी खेल रहे हैं, अभी हारिस रऊफ भी खेल रहे हैं, सही है ना? तो कहीं ना कहीं शको शुबात या दिमाग में चीज़ें रहती हैं कि यार वो भी कहीं अनफिट ना हो जाए, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो गई। देखिए कुछ इंजरीज होती हैं जो सालों साल, महीनों महीनों चलती हैं, आप फिट नहीं होते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनकी वजह से आप बड़े इवेंट के कुछ, जिस तरह मसल्स टाइट हो गए, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, इस किस्म के निकल्स वगैरह, ये इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके बड़े इवेंट के कुछ मैचेस ज़ाया हो जाते हैं। ये नहीं होता कि आपको पूरी इंजरी है तो आप पूरा टूर्नामेंट आईसीसी का या एशिया कप या कोई भी बड़ा टूर्नामेंट बाहर बैठ जाए, लेकिन कुछ मैचेस जाए, लेकिन अगर वो कुछ मैचेस ज़ाया हो जाते हैं तो फिर आपका तो काम लग गया ना, आपको तो मुश्किल हो गई कि आपका मेन बॉलर नहीं खेल रहा था। तो भाई इस चीज पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचने की जरूरत है, जो कि इन्होंने जिंदगी भर किसी काम की चीज पे सोचा ही नहीं। मैं मानता हूं लड़कों को पैसों की जरूरत होती है, पाकिस्तान का सिस्टम यही है, आपका कुछ पता नहीं होता कि लड़का एक दिन टीम के अंदर है, दूसरे दिन टीम से बाहर हो जाता है, यहां कुछ भी किसी का नहीं पता, ये सबको पता है। इसीलिए लड़के कोशिश करते हैं कि भाई जितने ज्यादा ज्यादा हम पैसे कमा लें, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि भाई जो आपके मेन प्लेयर्स हैं उनको रोका जाए। लेकिन अभी जो क्रिकेट कमेटी आई है उसमें सुनने में जो फैसले हो रहे हैं कि जी जिस तरह ए प्लस या ए जो कैटेगरी के जो लोग हैं, जिसमें जिस तरह बाबर है, शाहीन है, हारिस रऊफ है, इनको जो है वो मंथली ज़्यादा पैसे दिए जाएँ, और जो है जो ए कैटेगरी के लोग जो हैं, जो क्रिकेटर हैं, उनको सिर्फ लीग की, एक लीग की इजाज़त दी जाए, बाकी जो बी है उनको दो दो की, बाकी सी, इस तरह मतलब उन्होंने कैटेगरी के हिसाब से लीग्स बांट रहे हैं कि इनको देना चाहिए। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको लीग्स भी कम मिलेंगी और यहाँ से पैसा भी बढ़ रहा है आपकी मंथली, तो मेरे ख्याल है ये बड़े अच्छा एक ऑप्शन है, लड़कों को फिक्र भी नहीं होगी, ठीक है ना? लेकिन बात ये है कि अब ये इसको, ये पहले भी पीसीबी कह चुके हैं, जो लोग आते थे बड़ी बातें करते थे जी हम लीग इतनी परमिशन देंगे इतनी नहीं देंगे, लेकिन जब वो प्लेयर्स प्रेशर डालते हैं, जब आगे पीछे से प्लेयर्स के प्रेशर आते हैं, जो एजेंट्स होते हैं या लीग्स की तरफ से क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर आता है, तो फिर ये मुंह बंद करके बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं यार हमने दोस्ती यारी तो निभानी है, क्या करें क्या करें, अपने प्लेयर्स को भेजें ना भेजें, तो वहाँ पे उनके जितने भी फैसले थे वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो भाई ये स्ट्रिक्टली ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि अगर हमारा, अब मुझे चीज़ बताएं, हमारे मेन प्लेयर्स जो हैं, मेन बॉलर्स जो और बैट्समैन बाबर सारे लीग्स खेल रहे हैं, अब यहाँ से निकल के इन्होंने अफगानिस्तान की सीरीज खेलनी है,
ठीक है जो भी है इंटरनेशनल क्रिकेट, उसके बाद कोई रेस्ट नहीं है उसके ऊपर, एशिया कप फिर आपकी क्रिकेट ही क्रिकेट। तो बात यह है कि एशिया कप से पहले अगर किसी ना किसी और प्लेयर को इंजरी हो गई तो फिर आपकी टीम जो है वो सोचती रह जाएगी कि, या आपके सिलेक्टर्स हो गए, आपके पीसीबी के जो लोग हो वो सोचती रह जाएंगे कि अब हम क्या करें। तो भाई इस चीज़ पे जो है वो बहुत गौर करने की ज़रूरत है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।